मेरठ थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम से 12 साल की बच्ची गायब है। बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं पता चल रहा है, जिसकी सूचना परिजनों ने थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को दी। पुलिस अभी तक उस बच्ची का कोई सुराग नहीं लग पाया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस मामले में पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की है और हमारी बच्ची को ढूंढने में कोई कार्रवाई भी नहीं कर पा रही है। जबकि परिजनों का कहना यह भी है कि पुलिस को आरोपी का नाम तक बता दिया, उसके बावजूद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। क्या नाम है आपका और थाने किस मामले को लेकर आए हो आप? मेरा नाम सतपाल त्यागी है। मेरी बच्ची 14/11/2019 से लापता है। FIR कराई थी मैंने और कोई सुनवाई नहीं हुई। रोज आ जाता है, पूछता चलाता है, है? मैं रोज करता हूँ, हर सर क्या हो रहा है, वहाँ देख रहे, ढूंढ रहे, 6 दिन हुए हैं लापता। साजिश तहत मेरी लाती लापता है, पुलिस वाले तो कार्रवाई नहीं कर रही। कहाँ पढ़ती है बच्ची? राजस्थान 43 आठवीं क्लास में, 12 साल की। किसी पे शक? मुझे सब मोहल्ले में किसी ने करवाया। मैं जो था 3 लड़की उसने साथ दी थी, उनमें से 3 से पूछा नहीं हुई थी। 3 लड़की है। थाने में आपने कोई तहरीर दी है? अरे को दिया दे रखी है और मैंने तय इनसे दरवाजा दिया कि मुझे 3 लड़की बसाते हैं। दरवाजा उन्हें एक दफा दंग घर पर अपने उनके घर पर पूछताछ करता है। मुझे थाने बुलाते हैं, 27 से भेजते थे, किसी ने पूछा। क्या नाम है आपका और थाने किस मामले को लेकर आए हो? मेरा नाम पंकज त्यागी है। मैं राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसे हमें पता चला कि समाज की एक बच्ची काफी दिन से गायब है और कल ही जानकारी हमें ये हुई कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस की नाकामी की वजह से आज 6 दिन हो गए लड़की को, लड़की गायब है, नाबालिग लड़की है, 12 साल की उम्र है और हमें पूरा शक है। जैसे हमने मालूम किया है, जैसे हमने जानकारी की है कि साजिश के तहत उस लड़की को गायब किया गया है। अगर पुलिस तत्काल कार्रवाई करती तो लड़की बरामद हो सकती थी। अब तक पुलिस की ही नाकामी की वजह से आज तक लड़की गायब है। हम लोग ने 3 दिन का समय दिया इंस्पेक्टर साहब के लिए। यदि 3 दिन के अंदर अंदर लड़की को बरामद कर लेते हैं तो ठीक है, वरना पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा त्यागी समाज यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करेगा, सरकार का घेराव करेगा।